खबरों में बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां धार जिले के शहीद रविंदर सिंह राठौर के गांव पाना के ग्रामीण की समस्या का समाधान ना होने पर अब ग्रामीणों को धरना देना पड़ रहा है। आंदोलन का रास्ता शुक्रवार से अपनाना ही पड़ा। चेतावनी सूचना दिए जाने के बाद गुरुवार तक अधिकारियों के आने का इंतजार किया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता ने ग्रामीणों को पुलिया निर्माण के लिए धरने पर बैठने को मजबूर कर दिया। धरना स्थल पर हल्का पटवारी व दसाई पुलिस चौकी से एक जवान के अलावा जानकारी लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। ग्रामीण जन भी धरने को लेकर कमर कसकर ही बैठे हैं। सुनवाई नहीं होने की स्थिति में जल सत्याग्रह व भूख हड़ताल की योजना बनाई है। गांव पाना के ग्रामीणों को धरने पर बैठने की वजह गांव से लगे हुए तालाब के नाले पर पुलिया है। लगभग 10 वर्ष पूर्व तालाब बनाया गया था, उस समय इस नाले की चौड़ाई नाम मात्र थी। समय के साथ पानी के बहाव व आगमन से मिट्टी का कटाव होते होते नाले के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 70 फीट हो चुकी है। इस नाले पर ग्रामीणों ने खजूर के पेड़ रखकर अपने रास्ते पर पहुंचने का मार्ग बना रखा है, जो कि जोखिम भरा है। बीते दिनों पाना के एक किसान की जुगाड़ वाली पुल से पांव फिसलने पर डूबने से मौत हो गई। एक ग्रामीण की बलि लेने के बाद भी प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जुगाड़ वाली पुलिया की जगह स्थायी समाधान किए जाने की काफी समय से मांग की जा रही है, परंतु शासन प्रशासन ने इस गंभीर समस्या की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। सुनवाई नहीं होने पर सोमवार से जल सत्याग्रह व भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने बताया कि शुक्रवार से प्रारंभ हुए धरने में शनिवार व रविवार तक सामान्य बैठक वाला धरना आंदोलन रहेगा। सुनवाई नहीं होने पर पुलिया निर्माण व दुर्घटना स्थल पर ही सोमवार से जल सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद भी प्रशासन उदासीनता से दूर नहीं होती हुई तो भूख हड़ताल भी की जाएगी। पुलिया बनाने के लिए हर प्रकार के जतन किए जाएंगे। अब हमारी किसी किसान भाई की बलि जुगाड़ वाली पुलिया पर नहीं देंगे। धरना स्थल पाना पहुंचे पटवारी संजय जाट ने बताया कि मुझे किसी अधिकारी ने यहां नहीं भेजा है। अखबार में धरना आंदोलन की खबर पढ़कर मेरा राजस्व हल्का गांव होने के कारण यहां पहुंचा हूं। इधर स्थानीय पंचायत का सचिव भी उदासीन रवैया अपनाए रहा, शाम तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। दसाई चौकी के जवान ने भी पाना पहुंचकर धरने पर बैठे किसानों से चर्चा की व बैठे हुए किसानों के नाम दर्ज किए। बहुत खराब है, हम खेत पे जाते हैं, हमारा डांडा डोल संभालते हैं, हमारे जान का खतरा है। यह पुलिया बना दो आपके अच्छा रहेगा। हमारा रास्ता कोई दिन हमारा बच्चा बाल बच्चा हम गिर जावा, हमारी तबीयत खराब रहती है, क्या करा। डांडा डोर संभालने जाता है, इस रास्ते जाते हैं, क्या करा। कितने दिन से इस रास्ते पे जा रहे हो आप? इस रास्ते पे ये अभी तालाब बन रहे है, जैसे अभी एक महीना भर पहले एक मौत हो गई। हमको बहुत डर लगती है, यहाँ पे निकलते तो रात बेरात में दिन में भी निकलते डर लगती है। आपका नाम? हमारा नाम जम्मू भाई। जब यहाँ धरने पे बैठे, किस लिए धरने पे बैठे? हम धरने पे बैठे जो हम हर साल विगत जब से तालाब का निर्माण हुआ है, और तालाब जब बना था तब तालाब पीएचई सरदारपुर ने बनाया, तो जब उन्होंने तालाब का जब बनाने की कार्रवाई की तो उसमें उन्होंने दूरदर्शिता का उपयोग नहीं किया। और जो हमारा ये जो रास्ता था जिससे हम पीछे खेतों पे जाते हैं, हमारे पूरे गांव वालों का रास्ता है, और यहाँ पे कोई मार्ग के निकलने की व्यवस्था नहीं की, और वो तालाब बना के उनकी इतिश्री कर ली। अब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई इधर से इस पार से उस पार जाने की। तो हमने उस समय जब कि इसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी, जहाँ से अभी हम निकल रहे खजूर वाली पुलिया डालते थे, यहाँ से छोटी खजूरें डाल के निकल जाते थे, अब धीरे धीरे ये कटने लगा और हमारे सामने समस्या बढ़ने लगी। हम शासन को कई बार अवगत करा चुके, लेकिन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो इस बार 9 जुलाई को SDM मैडम जब यहाँ पे शहीद दिवस पर यहाँ पे श्रद्धांजलि देने पहुँची, हमने उनके सामने अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने कहा मौका देख लें। मौका देखा तो वो भी मौका देख के हतप्रद रह गई कि उन्होंने कहा यार आप लोग कैसे निकलते हैं, तो आप लोग ये मार्ग को थोड़ा सा भी 2-4 दिन के लिए निकलना बंद करो, और मैं दो चार आठ दिन में वैकल्पिक व्यवस्था करवाती हूँ। हमने कहा चलो अब मैडम हमारी सुन ले, और हमारा प्रशासन ये हमारे वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण हो जाए और बाद में स्थायी का करवा देंगे। तो 9 जुलाई से आज 6 तारीख तक हम अभी तक कोई व्यवस्था हुई नहीं। तो हमने SDM मैडम को लिखित में वापस उस बात को दोहराई कि मैडम आपने जो हमको आश्वासन दिया था वैकल्पिक व्यवस्था का, वो अभी तक हुआ नहीं, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तो हम इस रास्ते से मुक्ति पाएँ, क्योंकि घटनाएँ हो
मतलब मैडम को यह अवगत कराने के बाद एक महीने में घटना घटित हो चुकी है, व्यक्ति मर चुका, फिर भी अगर प्रशासन नहीं जागे तो फिर हम क्या करें? हमको धरने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। इस धरने के अलावा आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये आपकी मांगे अगर धरने में अगर नहीं मानी जाती है तो? हमारा धरना चलता रहेगा, अभी तो हम साधारण धरना दे रहे हैं, अभी एक दिन और हम इसी तरह का साधारण रूप से बैठेंगे, उसके बाद हम जल आंदोलन करेंगे, हम जल में बारी बारी से पानी में खड़े रहेंगे जब तक हमारी शासन नहीं सुनेगा, और पानी में खड़े रहने के बाद भी अगर नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और मेरा नाम नितेंद्र सिंह राठौर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।